Where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, you know, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. Let me tell you in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government now. That's an interesting law in India. You don't have that The nation is all involved in Ram temple Ram Mandir, Diya Jalao Okay That bothers me. I don't know enough about the attacks. Okay Attacks happen. What did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that आज हमारे पे झूठ बोला कल आप पे झूठ बोला और आप लोग झूठ प्रोमोट करते रहते हैं अब क्या है 84 का बात तो करिए आपने क्या किया पांच साल में उसकी बात करिए 84 में हुआ तो हुआ। तो आपने क्या किया नमस्कार दर्शकों मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा है क्या गजब का बंदा है इस वीडियो से कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं लेकिन क्या सचमुच ऐसा है कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रही हूं राहुल गांधी को लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने जाने के बाद कांग्रेस ने संगठन को लेकर जो पहला फैसला किया वो था सैम पिट्रोडा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना देने का चुनाव के दौरान भारतीयों को लेकर अरबी चीनी अफ्रीकी और गोरे जैसा दिखने की टिप्पणी के बाद सैम इस पद से हटे थे उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था जिसे बहुत जल्दी कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक्सेप्ट भी कर लिया था क्योंकि उस वक्त चुनाव चल रहे थे चुनाव में इस वक्त इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, कांग्रेस चाहती थी कि जल्दी से आग पर पानी डल जाए लेकिन राहुल है ना गजब के बंदे चुनाव खत्म तो क्या सैम पिट्रोडा पर एक्शन हजम हो चुका जैसे ही चुनाव खत्म हुआ अभी कल राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर के के पद पर कांग्रेस का कैंडिडेट उतारने के बाद वोट डिविजन से बैकआउट ही कर गए थे क्यों भाई क्या यह पता चल जाता है कि सदन में आइडिया ऑफ राहुल के साथ कितने वोट थे इसलिए वोटिंग से बच गए और ये सवाल हम नहीं उठा रहे ये सवाल उनके ही अलायंस पार्टनर तृणमूल कांग्रेस के लोग उठा रहे थे कि भाई जब स्पीकर कैंडिडेट इलेक्शन में उतारा था तो कम से कम डिविजन तो मांग लेते अब चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं के बैंक खाते में खटाखट खटाखट पैसे आने लगेंगे तारीख बता दी गई थी फॉर्म फिलअप करके आने को भी बोल दिया गया था इस वायदे के पूरे प्लान का कायदे से खुलासा तो चुनाव के बाद हुआ क्योंकि सैकड़ों महिलाएं बकायदा भरे हुए फॉर्म लेकर पैसे लेने पहुंच लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाएं जमा हो गई थी अरे यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं है लेकिन कर्नाटक में ही एक लाख रुपए खटाखट देने का इंतजाम तो कर देते लेकिन महिलाओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया सवाल पब्लिक का है कि नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश में राहुल गांधी कितने यूटर्न लेंगे सैम पित्रोदा पर एक्शन तो चुनावी वादे की तरह फूस हुआ क्या राहुल के कैम्ब्रिज लेक्चर के लिए सैम रिटर्न हुए यही है आज सवाल पब्लिक का सैम पिट्रोडा राजीव गांधी के जमाने से गांधी परिवार के करीबी हैं। राजीव और मनमोहन की सरकारों में सलाहकार के तौर पर सैम पित्रोदा की सीधी दखल अंदाजी थी 2014 के बाद से सैम ने राहुल गांधी के विदेश प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है 2014 से सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के 20 से अधिक विदेश के दौरे कराए हैं राहुल गांधी के कई विदेश दौरों की खबर तक बाहर नहीं आई यानी मामला सीक्रेट ही रहा लेकिन 2022 से उनकी चार यात्राएं सार्वजनिक भी रही और बेहद खास भी मई 2022 में राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ओ... आइडिया ऑफ इंडिया लेक्चर दिया मोदी ने भारत में केरोसिन छिड़क रखा है ये बयान कैम्ब्रिज में ही राहुल गांधी ने दिया फरवरी 2023 में राहुल गांधी फिर कैम्ब्रिज गए जहां उन्होंने बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और भारत चीन संबंध जैसे विषयों पर ऐसे बयान दिए जो सुर्खियों में रहे मसलन उन्होंने कहा कि भारत में न्यायपालिका से लेकर सारी एजेंसियां स्वतंत्र रह नहीं गई हैं जून 2023 में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए और वहां नफरत बनाम मोहब्बत वाली थीम दोहराई फरवरी 2024 में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में रोककर लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फिर पहुंचे इसलिए जब दो महीनों के अंदर बस चुनाव खत्म होते ही सैम पित्रोदा की कांग्रेस में पद पर वापसी हो गई तो सवाल उठ रहा है कि सैम पित्रोदा आखिर राहुल गांधी के लिए इतने जरूरी क्यों है सुनिए सैम की वापसी पर कांग्रेस की दलील क्या है

उन लोगों से संपर्क में रहते हैं हमारे वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी का मामला है या पार्टी तय कर रही है तो इसमें दूसरों को क्या जैसे सैम पित्रोदा चुनाव के बाद ओवरसीज कांग्रेस के पद पर लौट आए हैं उसी तरह 2017 में गुजरात चुनाव के बाद मोदी को नीचे मनी शंकर भी निलंबन खत्म कर दिया गया था 2014 चुनाव में इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने का आपत्तिजनक बयान दिया था इसके लिए इमरान मसूद जेल भी गए थे लेकिन कांग्रेस में रहते का कद कभी कम नहीं हुआ और इस बार पार्टी ने उन्हें सहारनपुर से टिकट भी दी और वो जीत कर सांसद भी बन गए हैं। दिलचस्प है कि सैम पित्रोदा के के विवादित बयान बाद जब वो पद से हटे थे उसी दौरान 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया इंटरव्यू में कह दिया था कभी कभी मुझे लगता है कि वो पार्टी योजना से ऐसे लोगों को माध्यम से कोई शगुफा छोड़ती है ऐसे लोगों को हंगामे के बाद कुछ दिन के लिए पार्टी से निकाला जाता है फिर पार्टी की मुख्य धारा में वो रहते हैं जैसे सैम पित्रोदा को इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद आपको वापस पार्टी में ले लेंगे जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल सच साबित हुआ सैम पित्रोदा मामले में हु बहु वही सच साबित हुआ तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल और और सवाल कई उठते हैं जिस तरह सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वापस करके कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अपने इकोसिस्टम के हित पर पार्टी की सोच नहीं बदलेगी उसी तरह अयोध्या जीत जाने के बावजूद अपने खास वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी का संदेश भी नहीं बदला है संसद में स्थापित सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद और आर के चौधरी ने विवादित बयान दिया अखिलेश यादव इस बयान पर जवाब देने से जरूर बचते नजते नजर आए पहले सुनिए चौधरी ने क्या कहा और अखिलेश यादव का बयान हमारी कोशिश थी कि पार्लियामेंट से सिंगोल हटना चाहिए अगर देश में लोकतंत्र बजाना है तो सिंगोल काटना हटाना है इसलिए कि भारत में लोकतंत्र है राजतंत्र नहीं है सिंगोल एक ऐसा शब्द है जिसे माने होते हैं राजदंड राजदंड माने होता है राजा की छड़ी छड़ी माने राजा डंडा अब पहले जमाने में राजा बैठता था दरबार में तो छड़ी लेके बैठता डंडा लेके बैठता था जो कह दिया कह दिया न खाता न बही राजस्थान में जो कह दिया वही सही मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह के पत्र लिखा जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाएंगे मैंने गया क्या कहा मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी पब्लिक पूछ रही है सवाल सवाल पब्लिक का नंबर एक राहुल के वादे के मुताबिक महिलाओं को ना खटाखट पैसे मिले ना सान पितरोदा पर एक्शन टिका क्या देश के साथ धोखा हुआ है भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी करने वाला स्वीकार सेंगल का अपमान स्वीकार मोदी को रोकने के लिए विपक्ष को क्या-क्या मंजूर है राहुल अखिलेश के पास नरेंद्र मोदी से टक्कर के लिए क्या कोई नीति है या कोई नए चेहरे क्या अगले पांच साल भी यही राजनीति चलती रहेगी यही है आज सवाल पब्लिक का और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के सपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्बास हैदर आज हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक लेफ्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकिन पहला सवाल मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूंगी वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो दिखाने वाले दांत आपने चुनाव के दौरान सैम पिट्रोडा को दिखा दिए और खाने वाले अब निकल आए हैं अब जो हिंदुस्तानियों को कहता है कि वो अफ्रीकी दिखते हैं चीनी दिखते हैं अरब दिखते हैं गोरे दिखते हैं अब वो रेसिस्ट रिमार्क्स आप भूल गए वापस से सैम अंकल वापस आ गए हुआ तो हुआ बस इतनी सी बात थी ना खटाखट पैसे आए ना सैम पिट्रोडा का पनिशमेंट ही टिका क्या करते हैं आप कांग्रेस पार्टी की होके तहसीन पूनावाला जी कहीं तो टिक जाइए नाविका जी थैंक यू आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला सबसे पहली बात जो सैम पिट्रोडा जी ने कहा इतफाक नहीं रखता हूं लेकिन उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कांग्रेस ने उन पर एक्शन की एक्शन लेने के बाद उनको पार्टी से निकाला बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है बीजेपी ने क्या एक्शन दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जिन्होंने मुजरा की बात की जिन्होंने मुसलमानों की बात की जिन्होंने भैंस की बात की क्या एक्शन दिया जिन्होंने कहा कि डंगे को कपड़ों से पहचाना जाता है जिन्होंने शमशान का खान की बात की भाजपा से मैं लेक्चर लेने को तैयार नहीं हूं रीड माय लिप्स नाविका जी भाजपा से मैं कोई लेक्चर नहीं लूंगा आपके शो पे मैं शिरकत करने का मुझे मौका मिलता है मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लेगी जिन्होंने मेरे दोस्त और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर पे ऑब्जेक्शन दिया कि उन्होंने जय संविधान कहा जय संविधान साठी ठोक कर ताल ठोक कर आपके शो पे कहता हूं जय संविधान किसकी हिम्मत है मुझे रोकने के लिए ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लिया संविधान पे ऑब्जेक्शन ले रहे ये इनकी मानसिकता है और भाजपा के नहीं हम रैप में आएंगे नहीं भाजपा के सामने हम अपोलोजेटिक हो गए सैम ने गलती की उसको सजा मिली उसके बाद उसे ले लिया क्या क्या सजा हुई भाजपा पर आप पहले बताइए मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए जल्दी से आज नाविका से? जी आज नाविका जी बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिला और मैं तहसीन को केवल उनके फैक्ट्स याद दिलाता हूँ तहसीन ने पहला फैक्ट बोला कि कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को निकाला ने खुद कल ट्वीट किया और ये सार्वजनिक डोमेन में और नाविका जी आज तो घूटर दबा दीना अगर मैं झूठ बोलू तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया उनको कांग्रेस ने निकाला नहीं था दूसरी बात कल उन्होंने जब उनको रीअपॉइंट किया गया रिअपॉइंटमेंट तो नहीं है ये एंडोर्समेंट लेटर है तो उन्होंने लिखा माय रिमार्क्स वर नॉट रेसिस्ट इट वाज द रेसिस्ट पीपल हु थॉट द रिमार्क्स वर रेसिस्ट मतलब कि जो साउथ इंडिया को अफ्रीकन बोलता है नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज बोलता है वो कहते हैं कि जिनको बुरा लगा वो रेसिस्ट है मेरे कमेंट तो बिल्कुल ठीक है भाई और राहुल गांधी ने इनको एंडोर्स किया क्योंकि सुनिए एलओपी राहुल बने उसके बाद पहली अपॉइंटमेंट कांग्रेस में कौन सी हुई है अंकल सैम की जो उनके विदेशी दौरे करते हैं उनके खासन खास है और इसके अलावा आज मैं तहसीन पुनवार से पूछना चाहता हूं दो तीन बातें जय संविधान की बात की ना अंकल सैम ने ट्वीट किया कि नेहरू जी ने संविधान बनाया आंबेडकर का कोई योगदान नहीं था जय संविधान या आत्मा परेशान दूसरी बात सिख नरसंहार पर बोला साढ़े तीन हजार सिख मरे तो हुआ तो हुआ यह उनका स्टैंड है चौतीस बात मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाना चाहिए इस पर कांग्रेस पार्टी एंडोर्स करती है सैम पित्रोदा से और सैम पित्रोदा का एक और मैं आपको बताऊं पुलवामा पर उसने बोला और छब्बीस ग्यारह पर कि आठ दस पाकिस्तानी आ गए तो उनको क्या दोष देना है भाई और बालाकोट में कितने लोग मरे ये किसने देखा है सवाल उठा दिया सेना पर आज राहुल गांधी हाँ आप आराम से जवाब दीजिए ये चीजों को राहुल गांधी ने एंडोर्स किया है वो कहते हैं ना कि चेले को गुरु की आवश्यकता थी कठिन समय है तो गुरु चुन लिया बहुत छान कर और जान कर चुना है और ये उनका चेला है और एक और बार अगर अखिलेश जी पर भी बोल दू क्योंकि उस पर उन... आते हैं उस मुद्दे पर भी आते हैं लेकिन आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट कहा तो फैक्ट्स पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट हम जरूर करेंगे तहसीन पुनावाला आपने कहा सैम पित्रोदा ने जो कहा वो गलत था लेकिन उनको सजा दी गई उन्हें पार्टी से निकाला गया फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था उन्हें सिर्फ पद से हटाया गया था ना के पार्टी से तो सबसे पहले तो इस बात, बात पर इस बात पर आपने आपने ने ने गलत बयानी की आप आज इस लाइट डिटेक्टर टेस्ट में फेल होते हैं क्योंकि गलत बयानी की पार्टी से कभी ठीके, नहीं निकाला था पद से हटाया गया था और और तीन हफ्ते भी नहीं हुए तीन हफ्ते भी नहीं हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद सैम अंकल वापस कांग्रेस कांग्रेस ने तो हुआ पद से नहीं था हुआ था उन्होंने इस्तीफा दिया बहुत फक्र है सुनिए ना नाविका जी मुझे बहुत फकरा है मैं आपके लाइट डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया बहुत ज्यादा फक है इसलिए मुझे इस बात का फकर है क्योंकि लाइट डिटेक्टर टेस्ट भाजपा और कभी ये नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रस्तान की बात की जिस व्यक्ति ने कहा कि दंगयों को कपड़ों से पहचाना जाता है उन पर कब एक्शन होगा डिटेक्टर टेस्ट नहीं होगी कि आज वर्तमान हमारे स्पीकर ओम बिराला जी ने जय संविधान पर ऑब्जेक्शन दिया नेहरू जी अंबेडकर जी हम इसी पे जाएगी जाइए उन चीजों पर मुझे इस ऑब्जेक्शन आप जाइए नेहरू जी पर आप टिप्पणी कीजिए अंबेडकर जी पर आप टिप्पणी कीजिए वो आपका विशेष अधिकार है मेरा आपसे सवाल है क्या जय संविधान पर ऑब्जेक्शन ये तो कब होगा ओम बिरला जी पर एक्शन बताइए कब उनका रेजिग्नेशन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ लाइट डिटेक्टर फैक्ट पर हो सकता है ओपिनियन पर नहीं ओपिनियन पर तो आप लोग सबकी हरीबत्ती जलती रहेगी भैया क्योंकि आपका ओपिनियन उनका ओपिनियन कभी मेल नहीं खाएगा फैक्ट फैक्ट पर मैं, फैक पर मैं मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर सकती नहीं। हूं। नहीं, नहीं, लेकिन, लेकिन लेकिन आपकी राजनीतिक मैं लाइट डिटेक्टर नहीं कर सकती लेकिन जो सवाल उठाया उसका जवाब उसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना जरूरी है मिस्टर ओम बिरला ने एज ए स्पीकर सिर्फ शशि थरूर से यह कहा कि हम संविधान की ही शपथ ले रहे हैं तो जय संविधान जोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं क्योंकि संविधान की शपथ है तो वहां से दीपेंदर हुड्डा समझाने लगे तो उन्होंने जी को बोला मुझे आपकी सलाह की, सला की आवश्यकता नहीं पर सुन लीजिए तहसीन जय संविधान है ना तो कल कांग्रेस ने इमरजेंसी के विरोध में लाए गए निंदा प्रस्ताव का विरोध क्यों किया उसमें तो डीएमके एसपी और से साथ में खड़े थे आप बता रहे इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी और मैं आपको बता दूं राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया इमरजेंसी लगाना और बाघे ने कहा इंदिरा इसलिए इंदिरा ने इमरजेंसी लगाया अब पूछे मुलायम सिंह यादव तो उन्नीस महीने जेल में रहे क्यों अब्बास जी आप इमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव का समर्थन करते निंदा बिल्कुल, बिल्कुल मैं अब्बाससे सवाल पूछूंगी कि अगर अगर संविधान अगर इस देश के लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की रही तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना अलायंस का धर्म चली जाएगी क्या आप मानते हैं कि पूर्वोत्तर के जो लोग होते हैं वो चीनी होते हैं क्या आप मानते हैं कि तमिलनाडु कर्नाटका आंध्रा के लोग जो होते हैं वो अफ्रीकी होते हैं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप, आपकी इस पर राय क्या है देखिए नाविका जी कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं उन पे उन्होंने अगर कोई गलत टिप्पणी की कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करी लेकिन क्या यही यही मापदंड आप सवाल पूछेंगे शहजाद पूनावाला से कि जब दयाशंकर सिंह जो है मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है फिर वापस लेके मंत्री बनाया जाता है अरुण नारक पंजाब में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पत्रकारों को गालियां देते हैं लिटरली गालियां देते हैं उनको पार्टी सस्पेंड करती है वापस लाती है तो ये दोहरे मापदंड क्यों है ये ये वापस लें तो आप सवाल नहीं पूछेंगे इनसे हम अगर गठबंधन कोई इंडिया गठबंधन का दल हो कोई विपक्षी दल हो वो अपने किसी नेता से अगर कोई गलती से कोई बयान निकल गया और से? वो उस पे माफी मांग रहा है तो अग उसको माफी अगर माफी माफी क्यों नहीं मांगी माफी क्यों नहीं मांगी एक सेकंड अब्जी उन्हों उन्होंने उन्होंने जस्ट उन्होंने अपने अपने नहीं आप जो अभी बता रहे हैं उन्होंने पहले भी जो उनका बयान था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया तो निश्चित रूप से अगर कोई बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप लेंगे उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे तो बात अलग होगी मैं, मैं उनका ट्वीट लाया हूं मैं सैम पित्रोदा का ट्वीट लाया हूँ उन्होंने किसी के साथ टैग किया है पर मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुना दीजिए उनको सिर्फ लेकिन बिकॉज ही समथिंग रॉन्ग छोटी <laughs> सी बात है छोटी सी बात है क्या आप मानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सही गलत ले लूं लेकिन पूर्वोत्तर के लोग चीनी लगते हैं क्या ये कहना सही है कोई भी कॉन्टेक्ट किसी ने भी कहा नहीं कहा नहीं आप ये बताइए क्या बहन जी को मायावती जी को जो देश की इतनी बड़ी दलित सही उस है शहजाद से लूंगी आप बताइए अपने सवाल का जवाब बताइए आप बताइए कि साउथ इंडिया के लोग क्या अपने किस संसदीय पद पे हैं आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कौन से संसदीय अच्छा, है? तो कौन से गुरु हैं जो कैबिनेट के पद पर एलओपी हैं उनके गुरु हैं ये कैसे तो... आप कह रही हैं ये, अब... ये कहा लिखा है आपको नहीं पता ये कौन कह तस्वीरें नहीं देखी आपने दोनों के साथ साथ मुझे देखिये ये मुझे लगता है ये कहना बहुत गलत होगा ये कहना बहुत गलत होगा किसी नेता के लिए टीम वर्क है राजनीति में अगर बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं कौन गुरु है कौन चेला है ये ये अवधारणा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पार्टी में होनी अब बात फैदर साहब जो अपने जो गुरुओं का क्या हाल करते हैं डिनायल मोड़ में है तो मैं कुछ नहीं कह सकती लेकिन 1980 के दशक से लेकर कांग्रेस के साथ हैं और यूं है कि कभी अलग ही नहीं हुए हमेशा जैसे चुंबक की तरह चिपके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ राजीव गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह अब राहुल गांधी सबके साथ वो एसोसिएटेड है पर वो किसी पद पर नहीं है तो हम क्यों उछल रहे हैं लेकिन मैं ने 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 के चेजार्ड पुना वाला मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी आबास हैदर ने अगर बात की है बहन मायावती की तो मैं आपसे पूछूंगी रमेश विधूरी पर आपने क्या एक्शन दिया आपने आपने एक शो कॉज नोटिस दिया उसके बाद भूल गए ना जवाब आया ना कोई उनका पनिशमेंट हुआ दोनों सवालों पे मैं सटीक और पूरा जवाब दूंगा सिर्फ 30 सेकंड का अवसर चाहता हूं दयाशंकर का यहां पर अपोलॉजी है मायावती को अनकंडीशनल ये नहीं कि मेरे कमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया मेरा कमेंट सही था तुम मेरे थे तुमने गलत समझा पूरा अनकंडीशनल अपॉलॉजी रमेश भिदूड़ी ने भी अपॉलोजाइज किया वो तो उन दोनों के बीच में झगड़ा था पर अगर वो स्टेटमेंट गलत लगा आपको तो मुझे तो प्रियंका आपको कक... गलत नहीं लगा मैं आपको बताता ना आपको गलत नहीं आपको बता लगा बताता हूँ क्यों मैं खुद मुसलमान हूं मुझे प्रियंका कक्कड़ ने मुजाहिदीन बोला था उसके ऊपर एक व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं उठाया था इनको बोलो इंडिया आम आदमी पार्टी को शहजाद पूनावाला मैं बहुत ही मैं मैं बहुत विनम्रता से एक चीज अर्ज करना चाहती हूँ अरे मैं कह रही कह रही हूँ सत्ता पक्ष है आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो सत्ता में है पिछले दस जवाब तो उन्हें दीजिए आपको उदारता दिखानी दिखाने उदारता का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं उस समय पर जब इस रमेश भुदुड़ी ने बयान दिया था आपको याद नहीं राजनाथ सिंह ने उसी समय पर खंडन किया था प्रोसीडिंग देख लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लाइट डिटेक्टर चलाइए लेकिन मेरी बात ये तो, नाविका, नाविका, है? नाविका, ये भी तो नाविका नाविका मैंने आपसे तीस सेकंड मांगे थे तीस सेकंड ले लू क्या ले लीजिए ना केवल राजनाथ जी ने अपोलोजाइज किया उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई पार्टी की तरफ से हुई इनका टिकट कटा वो टिकट उनको सांसद का नहीं मिला है वो साउथ दिल्ली के सांसद नहीं है रा, रामवीर और चौथी बात मैं बता दूं हमारे यहां पे तो अपोलोजाइज भी करते हैं अनकंडीशनली यहां पर जस्टिफाई करते है और मैं आपको बता दूं अभी किसने कहा यह है उदित राज जो डॉक्टर सैम पित्रोदा ने बात की आज का ट्वीट है यह सही कहा लेकिन समय गलत था ये उदित राज का ट्वीट है भाई उदित राज समय गलत था बात सही कही थी यानी के पूर्वोत्तर के लोग चीनी हैं और पश्चिम के लोग जो है अरब है और साउथ के लोग जो है वो अफ्रीकी हैं। बात सही कही थी उन्होंने समय गलत था चुनाव का टाइम था रॉन्ग नंबर था। डायल हो गया विवेक श्रीवास्तव जी शर्मनाक नहीं, नहीं है ये कांग्रेस का रवैया आ आ रही यू तहसीन विवेक जी अभी बोले नहीं है हाथ उठाया वेरी क्लियर आई बी वेरी क्लियर देखिए उन्होंने अब आप मुझे तो ए, दो काम करिए या तो इस देश के एंथ्रोपोलॉजी के जितने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों में है उनको बंद करा दीजिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके जेएनयू अन्नामलाई बी एच के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का एक ही कहना है कि इस देश के अंदर नेगरीटो प्रोटो तो ऑस्ट्रोलॉयड मोंगोलॉइड मेडिटेनियंस नॉर्डिक्स और, और, और छह रेसिस हैं जो इस देश के अंदर है ये देश मल्टीशियल है फिर भी ये देश एक है स्कूल की पुस्तकों में हमने पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुन लीजिए आप पहले भाजपा का जो कहना है कि देश में मल्टी रेशियल है ही नहीं एक ही रेस है वन रेस आर्यन इन्वेजन थ्योरी मानते नहीं है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मानते नहीं है इतिहास पढ़ते नहीं है तो यह गलत है यहां पर देखिए मंगोलाइट एक रेस है वो हिंदुस्तान में है उसमें भी दो अब्बास जी की शक्ल मेरी छोड़िए भाई एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करके मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत तो सही कहा तो आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान विद्वान आदमी हैं तहसील वाला इतने अगर कांग्रेस वाले होते तो पद से इस्तीफा देने नहीं देते रखे रहते उनको कैसे कैसे लोग हैं आप लोग जेएनयू की आप रिसर्च उठा लेते विवेक श्रीवास्तव जी आपको दिलवा देते आपने हटाया क्यों क्योंकि कुछ गलत तो हुआ ही नहीं था उन्होंने नहीं नहीं हटाया हटाया मैं अरे उन्होंने बोले बिल्कुल सैम पिट्रोडा जी को जैसे अब्बास भाई ने कहा कहा गया था स्टेप डाउन कीजिए इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन किया ये पहली बात है दूसरी बात गिरिराज सिंह जी ने कहा कि सोनिया जी को इसलिए वोट मिलते क्योंकि उनकी चमड़ी सफेद है इस गिरिराज सिंह जी के शब्द है तो यनेद्र जी जी इनके एमएलए कर्नाटक आ गए उन्होंने खड़गे जी के स्कैन के बारे में जो कहा एक दलित व्यक्ति के बारे में उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ क्या एक्शन दिया देखिए मैं आपसे कह रहा हूं सैन पिट्रोडा जी की कहने के कहने के कहने का जो भी अर्थ

भी जर्सी गाय पे भी तो माफ़ी आनी चाहिए अरे भाई पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड पे भी माफ़ी आनी चाहिए दो हजार चौदह ऐसी पहले हमें भारतीय होने पे शर्म आती आपके आपके पास है सात साल में देश की यही है माफी गलती तो हो होगी विदेशों में जाकर उस पर भी माफ़ी देशों में जाकर के विदेशों में जाकर माफ़ी आनी चाहिए थी गलती हो जाती है ना लड़कों ऐसी अपनी बात और आज तो अखिलेश जी ने विदेशों में जाकर के देश का बताया अनको छोड़िए माफी अं माफीनामा नहीं दिया थीचे, था थीचे, अब थीचे, अपनी थीचे, बात मैं अपनी कर दूध कहता हूं मैं इतफा लिखता हूँ मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है मैं कहता हूं गलत है चलो मैं आपसे अग्री करता हूँ चलो उनका एक्शन होना चाहिए चलो कांग्रेस ने नहीं किया इंडिया अलायंस ने किया कांग्रेस खराब है अब मैं आपसे कह रहा हूँ जो स्टेटमेंट्स मैंने बताया माननीय प्रधानमंत्री के बारह बारह बच्चे पैदा करने वाले जो स्टेटमेंट बताया शमशान कब्रस्त के दंगयों को कपड़ों से पैदा नजर आई बात समाप्त तो होने दीजिए जो स्टेटमेंट अन्य हुए पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी का हाइब्रिड बच्चा उसके एक बार तो माफी मांगे उसको जस्टिफाई किया जाएगा मेरे में हिम्मत है आपके शो में कहने को गलत था आपने हिम्मत कहने को उस पर होगी डिबेट होगी डिबेट मैं जवाब दूं जी जवाब दीजिए पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को चिन्हित करके तो कहा नहीं गया था

मतलब प्रभु श्री राम से कर ली अरे कुछ सीटें आई नहीं तो मन में इतना अहंकार कि प्रभु श्री राम से अंकार की प्रभुष का अर्थ नहीं पता बात सनातन की करते हैं अवधेश का अर्थ क्या होता है तो राजा आयोध्या के राजा अयोध्या भगवान 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 राम 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 का 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 नाम नाम है है आपको पता ही नहीं नहीं है आपको पता ही उन्होंने उन्होंने अवधेश जी को सामने रख के कहा रखा अयोध्या के राजा अब आप समझते हैं कि दुनिया को समझ नहीं आ रहा और आप तंस कसें या आप कुछ कहें तो दुनिया बड़ी भोली है लेकिन दुनिया समझती है दर्शक समझते हैं। देश के लोग समझते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये क्या इस संसद सत्र में एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का पहला पहला जो डिसीजन था जो सेंगोल पे विवाद है जो आ, कहते हैं कि हम यहां संविधान को बचाने आए हैं जो संविधान का हनन कर चुके हैं इस देश में पचास साल पहले ये ये मैं पूछना चाहती हूं कि सच क्या है और सच दिखाया क्या जा रहा है क्या इसमें कहीं कोई मेल है राजनीति में कहीं भी किसी भी पार्टी द्वारा नविका जी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वापसी को सामान्य घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए अब चूकि सैम पित्रोदा के नाम से वो खुद को कहते हैं सब बुलाते हैं तो भाई अपना नाम मैं कुछ भी रख लूं तो वही आप कल से बुलाने लगेंगी लेकिन जिस व्यक्ति को सत्यनारायण गंगाराम नाम तक नहीं पसंद है उस व्यक्ति के बारे में हम लोग टीवी पर बहस कर रहे हैं कि वो चाइनीज कहता है भारतीयों को अफ्रीकी कहता है यूरोपियन कहता है मंगोलियन कहता है कहां, कहां कहां की बात करता है उस व्यक्ति के दिमाग में भारत के प्रति नफरत भरी हुई उस व्यक्ति का भारत से कोई लेना देना नहीं अमेरिका में रहता है वो सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी के लिए भारत को दुनिया में कहीं किसी मंच पर उनको बोलने के लिए मिलता है और वो भारत के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं लेकिन यहां ये कोई फर्क नहीं डालता सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हमारे लिए कोई है ही नहीं लेकिन राहुल गांधी हैं राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के और अब तो बाकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राहुल गांधी बाकायदा उनसे दीक्षा लेने जाते हैं वो राहुल गांधी जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसका कनेक्शन है सैम पित्रोदा जब ऐसे आप समझेंगे तब समझ में आएगा कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को हटाने की हैसियत कांग्रेस पार्टी में किसी की क्यों नहीं है और उन्होंने जो कहा था वो सामान्य बातें नहीं थी ये सिर्फ इतना भर नहीं कि हमारी रेस बता दी हमको अलग बता दिया हमको दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आया हुआ बता दिया सिख संघार को उन्होंने सामान्य ठहरा दिया हुआ तो हुआ उन्होंने यह तक किया कि इस देश में जो इनहेरिटेंस टैक्स जिसकी चर्चा खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी वाले भी पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव सरकार बना चुके हैं अपने मुद्दों पर वो ऐसे गायब हो गए हैं कि राजा अयोध्या कहने के बाद भाजपा ने देश भर में एक भी प्रदर्शन नहीं किया हैसियत होनी है चाहिए किसी की रावण का अहंकार नहीं था कि अयोध्या का राजा खुद को कह देता अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जो सांसद बन गए हैं उनको राजा अयोध्या कह दिया जिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चार चार राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गवा दी आज उस पर भाजपा एक आंदोलन तक नहीं कर रही अयोध्या में भी धरना प्रदर्शन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी भूल गई है किस बुनियाद पर किस मुद्दे पर किस मामले पर वो यहां तक पहुंची है और मैं फिर से कह रहा हूं ये मुद्दा इतना भर नहीं है इंटरनेशनल साजिश इंटरनेशनल नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा था इस चुनाव में उसका एक प्रमाण भर है और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को हटाने की हैसियत कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं किसी की नहीं है वो जो चाहे उसको हटा सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी नाँगा बहुत नाँगा बड़ी बात कह रहे हैं आप हर्षवर्धन त्रिपाठी मैं सबसे जवाब लेना चाहती हूं मैं पूछना चाहती हूं अब्बास हैदर आपसे सेंगोल पे कभी ना, आपको ना, चिंता ना, होती है कभी ना, आप देश को आप राजा अयोध्या का बताते हैं इस देश में लोगों की जो भक्ति है लोगों का जो संस्कार है जो संस्कृति है जो कल्चर है उन सब पर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को टीस क्यों पहुंचाना चाहते हैं क्या ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजी है नविका जी अगर अवधेश जी के नाम का अखिलेश जी बता देते हैं तो समस्या हो जाती है, है? जी खड़े थे और जी उनकी नाम तरफ दिखा दूं। आप बताइए इसमें एक शब्द भी ऐड किया उन्होंने बता दीजिए अब एक शब्द भी जोड़ा हो नाम का अर्थ है ये सीधा सीधा नाम इसमें आप उसके बन जाएंगे अब अर्थ का अनर्थ आप निकाल लें तो उसके लिए अखिलेश जी तो जिम्मेदार नहीं नहीं तो देखिए अब अगर अवधेश जी को जनता ने चुना है लेकिन लोकतंत्र में तो राजा होता है

का बुरा हाल है। अवधेश राजा राम के नाम है मुझे भी मालूम है लेकिन जो उन्होंने कहा है, मैं मैं आपको सुनवाना चाहती हूं और फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आ जी। मैं सुन हम हम मैं सुनवाना चाहती हूं मैं सुनवाना चाहती हूं किस तरह से क्या लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ अवधेश जी राजा अयोध्या ये ये खड़े हैं हमारे साथ अवधेश जी राजा अयोध्या हर्षवर्धन त्रिपाठी कहीं पर कोई डाउट है किसके बारे में कहा जा रहा है देखिए नविका जी मुश्किल यही होती है जब आप प्रवक्ता के तौर पर टीवी पर बैठते हैं और आपको कुछ नहीं सोचता है तो कोई रास्ता तलाशते हैं अगर अवधेश उसको अयोध्या के ईश कहें या अवधेश कहें तो अखिलेश मतलब क्या हुआ सत्यनारायण गंगाराम का मतलब क्या हुआ और अगर आपको इन नामों के साथ इतना ही न्याय करना था तो जब प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे मजाक बना रहे थे काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था तो आप लोग मजाक बना रहे थे और अरे जनता ने बता दिया जनता ने बता दिया।, साथ साथ दिया अपने वोट के माध्यम से अभी भी हर्षवर्धन जी आप नहीं मानने को तैयार बीच में नहीं बोला आपके बीच में नहीं बोला जब अखिलेश यादव ये कर रहे हैं तो इसको आप समझिए वो हिंदुओं को बता रहे हैं कि देखो तुम जिस राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे तुम जिस राम के लिए लड़ रहे थे तुम जिस भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े थे उसको हरा दिया हमने अमर्त सेन कह रहे हैं कि अयोध्या हारने से हिंदू राष्ट्र का विचार हार गया ये अमर्त सेन कह रहे और अगर आप अमर्त सेन सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा इन सब को एक साथ मिलाकर देखें तो जो बार बार कहा जाता है कि भारत के लोग और भारत के नहीं है जो विदेशी लोग हैं जो भारत पर हमला करते हैं भारत की संस्कृति और विरासत कर तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा और सोचिए अखिलेश बहुत यादव बड़ी बात आपने कही क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिर है जिसकी तरफ इशारा चुनाव पता के पता दौरान भी हुआ था विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए शहजाद मुझे भी कुछ कहना है देखिए सबसे पहली चीज है मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि संघ के लोग ज्यादा पढ़ते लिखते हैं यहां पर सैम पेट्रोडा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी में हर्षवर्धन को पता ही नहीं है डीओटी क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन और उन अस्सी के दशक में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया इस देश में सुपर कंप्यूटर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इनको कुछ मालूम ही नहीं है इनको यह भी नहीं मालूम है कि सैम पेट्रोडा की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्यों है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है इनको नहीं मालूम है इनको बस ढूंढने हैं मौके राम का इशू उठाने के बाद तो लोगों को क्रिटिसाइज नहीं 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 तो अगर देश देश किसी ने, ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो, दिया है, तो उसके बाद वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बुलाने का लाइसेंस पा जाता है हाँ अगर कंट्रीब्यूशन है, है भी तो, तो भी भी क्या उनके पास लाइसेंस है कि वो दक्षिण के, के लोगों को अफ्रीकी बुलाए शहजाद पूना वाला देखिए इन्होंने कहा कि संघ के लोग ज्यादा देखिए मैंने आपके बीच में नहीं जवाब दे देखिये अब सुनिए अब अब सुनिए आपने जो बात कहा आपका तर्क मैंने सुना शहजाद जवाब दे रहे विवेक जी केवल तीस सेकंड में सबसे पहले विवेक जी को पता होना चाहिए कि जिस जमात का वो प्रतिनिधित्व करते लेफ्ट की जमात का इन्होंने किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी और उदारीकरण का सबसे ज्यादा विरोध किया था कंप्यूटर का विरोध इस देश में अगर किसी ने विरोध किया तो आपने किया तो टेक्नोलॉजी का है। दूसरा, नहीं किया। अरे भाई बीच में मत बोलिए आप बीच में मत बोलिए आप बीच बीच में में मत बोलिए टेक्नोलॉजी का भी किया आज भी आपकी आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही देख रहे देखिए नाविका जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला दूसरा अवदेश में राम खोजने वाले वही लोग हैं सत्यनारायण गंगाराम ये जो पित्रोदा है इसने पता है क्या बोला राम राम नवमी और राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है अग्री करते है विवेक जी अग्री करते अब्बास जी और आप अवधेश जी को राजा अयोध्या मत बोलिए उनको नवाब फैजाबाद बोलिए क्योंकि अयोध्या की विधानसभा छोड़कर बाकी सारा फैजाबाद में जीते हैं फैजाबाद सीट जीते हैं तो वो नवाब फैजाबाद जरूर है राजा अयोध्या बनने की भी उनकी भी हैसियत भी नहीं है भी उनकी भी ना हैसियत है उन्होंने तो जयशीराम बोलने से मना कर दिया दाविका आप जैसे पत्रकार ने पूछा उनसे कि जय बोलिए मान्य भर पटका पहना हुआ था उन्होंने बोला मेरे विचारधारा में ये नहीं आता आपको शपथ शपथ ग्रहण के समय भी जब जय श्री राम, राम, राम के कुछ नारे लगे तो लोग ने कहा जय अवधेश जय अवधेश मतलब राम से अवधेश की तुलना मैं, मैं मैं पूछना चाहती हूं अवधेश का मतलब राम होता है अवध के ईश होता है मैं सब समझती हूं हिंदी हिंदी संधि विचेद सब आता है मुझे लेकिन मैं बात कर रही हूं कि आप जो मैसेज दे रहे हैं जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रही देखिए जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं जनता समझदार है लेकिन अगर हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो सबको आपत्ति हो जाती है ये भगवान राम का नाम लेते हैं भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती है जब आप हम, भगवान जब अयोध्या की जनता श्री राम बोल तो दीजिए हमें हमें आपत्ति आपत्ति नहीं है आप आप जय जय श्री श्री राम राम बोल दीजिए हम हमारे ही नहीं मैं कह रहा हूँ ना हमारे जो हमारी मैं बता रहा हूँ हमारे तो सीताराम कहा जाता है

चौदह को आपने भारतीय नाम से आपत्ति है उन्हें भारत की आत्मा कब नजर आएगी संजय मिश्रा भदोही भदो, भदो ही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं अशोक चक्र और सिंह दोनों सम्राट अशोक के राजपाट का प्रतीक है कहीं कल इस पर भी समाजवादी पार्टी के लोग सवाल ना उठा दें पीयूष करम का बिलासपुर से सवाल है चुनाव खत्म होते ही कर्नाटक में पेट्रोल महंगा हो जाना सैम और मणिशंकर अय्यर जैसे विवादास्पद लोगों का बार बार निकल कर वापस लेना -ले क्या कांग्रेस की नीयत में ही खोट नहीं ईवीएम में खोट ढूंढ रहे थे तहसीन जी जवाब दीजिए देखिए मैं बहुत सोच रहा था इस डिबेट में कि सैम पेट्रोडा ने कुछ बात की इससे आप इत्तेफाक रखो ना रखो कांग्रेस ने एक्शन लिया उसने रिजाइन किया वापस आ गया ये देश का आज सबसे बड़ा मुद्दा कैसा हो गया नीट के मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा कैसे हो गया अच्छा। अग्निवीर के मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा क्यों हो गया फिर मुझे इसका जवाब मिला क्योंकि हमें माननीय ओम बिरला जी को कॉर्नर ही नहीं करना है जिन्होंने जो जय संविधान पे ऑब्जेक्शन दिया मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ पार्लियामेंट के अंदर ओरिजिनल संविधान की कॉपी नहीं है इस पर नाम ऑब्जेक्शन देते बोले बताइए मैं मैं मेरे पास आइए जवाब देना चाहता इन्होंने बोला नीट का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर कई चर्चाएं भी हुई और पार्लियामेंट में भी आकर चर्चा कीजिए तैयार है पर 1984 में साढ़े तीन हजार सिख मारे गए हुआ तो हुआ यह मुद्दा नहीं है देश के साउथ के राज्यों को अफ्रीकन बोल दिया गया करोड़ों लोग वहां पर रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में लाखों लोग रहते हैं उनको चाइनीज बोला गया ये आपके लिए मुद्दा नहीं आप कह रहे थे भारत जोड़ो ये भारत जोड़ो है क्या और मैं आपसे पूछना चाहता हूं राम अभी राम पे बड़े यहां पे विश्लेषण की जा रही थी राम और राम नवमी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है अब्बास हैदर आपने तो अभी सैम पित्रोदा को डिफेंड किया ये उनके व्यूज है राम और रामनवमी पे बोलिए मैं खंडन करता हूं नहीं मैंने सैम मैं को, को डिफेंड नहीं किया मैंने सैम पित्रोदा तो को डिफेंड नहीं किया? किया मैंने मैंने ये बात स्पष्ट कही कि आप जब आ, अगर अपने जो आपके नेता भाषा बोलते हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं लेते जब करके देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर जाकर के देश जवाब मुझे चाहिए जवाब मुझे चाहिए तो आप उस उस कोई नहीं मैं उसपे जवाब पूछू जो पब्लिक के सवाल है अशोका चक्र हो या जो सिंह हो ये भी तो किसी राजपाट के ही प्रतीक है जो लगे हुए हैं और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेटर हेड पे भी लगे होते हैं कल आज सेंगोल से न नफरत है कल उससे भी हो जाएगी नहीं नहीं देखिए कोई नफरत अखिलेश जी इस मामले को स्पष्ट कर चुके हैं जो उनके विचार थे वो ट्वीट के माध्यम से सामने आ उनके कोई, कोई दु, दु, व्यू भी सामने हमारे आ चुके। के है लेकिन हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी है अखिलेश यादव जी की जो आज इतना कहना चाहती हूं मुद्दा ये है कि क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चुनाव चल रहा था लोगों को हटा दीजिए अब शब्दों से वोटों पर असर ना हो जाए चुनाव खत्म लोगों के सामने जो आपने दिखावा दिया था वो भी खत्म बस देश में लोगों को किसी ना किसी उनकी आंख किसी तरह से आंखों में धूल झोंकना क्या इतना सा ही काम है इलेक्शन में विपक्ष का यह सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इस डिबेट में अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करते हुए मैं डिबेट नंबर टू पर जाती हूं माधवी लता जी हमारे साथ जुड़ेंगी पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूं मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में सेंगोल स्थापित किया था उस समय सेंगोल को लेकर बहुत राजनीति हुई थी भारत की स्वतंत्रता के समय धर्म न्याय और संप्रभुता के प्रतीप सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था लेकिन आजादी के बाद सेंगोल को उसका सम्मान हासिल नहीं हुआ लेकिन जब पिछले साल नरेंद्र मोदी ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया तो एक नई शुरुआत हुई और ये मामला एक तरह से सेटल हो गया अठारहवी लोकसभा के पहले संसद सत्र में सेंगोल की मौजूदगी के बीच ही संसदीय कार्रवाया शुरू हुई शपथ ग्रहण भी शुरू हुआ लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग करके एक बार फिर फिर सेंगोल पर बहस को तूल दे दिया है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता जी जुड़ रही हैं। माधवी लता जी टाइम्स नाउ नव भारत पर और सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार और मैं आपसे पूछना चाहती हूं समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाने की मांग की है आप क्या देखती हैं ये राजशाही का प्रतीक है भारत देश एक सनातन हिंदू देश है यहां पे धर्म का संस्थापन करने के लिए हम हर उस बात और मुद्दे को अपन का अपने जीवन में एक हिस्सा बनाते हैं इसी प्रकार हम कहते हैं राम राज्य का स्थापित करना इसी प्रकार से हम कहते हैं कि संगोल एक धर्मबद्ध राज्य का स्थापन करने के लिए और धर्मबद्ध राज्य परिपालन करने के लिए वो ऐसा संरक्षक और सुरक्षा देने वाले एक चिन्ह माना जाता है तमिलनाडु में मदुरई के नायकास इसी प्रकार के सिंगोल को अपने राज्य के पालन करने वाले अपने कोर्ट में इसमें रखते थे इससे इन लोग माना जाता है कि अगर कोई राजा अपने काम से धर्मबद्ध ना होकर हटते हैं तो ये सिंगोल उनको याद दिलाता है कि प्रजा के हित में एक राजा को अपना शक्ति प्रजा स्वामी के रूप में ही इसको इस्त इस्तेमाल करना चाहिए अभी प्रधानमंत्री जी के इतना उचित और उच्च विचार है उनके कि अपने ऊपर भी वो एक ऐसा सिंगोल धर्मबद्ध एक दंड को रखना चाहते हैं ताकि वो प्रजा के हित में काम करने के लिए वो उनको रक्षा देते रहे और उन्हें याद दिलाते रहे ताजुब की बात तो यह है कि स्वयं उनका कहना है ब्रिटिशर्स उनका मानते थे इस बात को नहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री एक लोकतंत्र से इलेक्टेड प्रधानमंत्री है राजा नहीं है और ये सेंगोल राजाओं के लिए होता था यह किसी लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है लोकतंत्र का प्रतीक हमारा संविधान है संविधान को वहां होना चाहिए तब तो ब्रिटिशर्स को ये नेहरू जी को भी तो नहीं देना चाहिए था हम तो डेमोक्रेसी ब्रिटिशर से तो सीखे हैं ब्रिटिशर से और सीखे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अंबेडकर जी ने वो कई राज्यों से ही अंबेडकर जी ने सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं तो सवाल है कि शपथ ग्रहण के समय संविधान वहां है नहीं लोग आ रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग जिनके खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा वो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं शपथ ग्रहण के दौरान ये आप क्या देखती हैं ये आप संविधान से चलने हुए चलते हुए संसद को देखती हैं यहां पे नाविका जी दो मुद्दे हैं मुद्दा एक ये जो सिंगोल स्वयं नेहरू जी ने ब्रिटिशर्स के पास से लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में ये जब उन्होंने लिए थे ये कहने के लिए कि इतिहास में ब्रिटिशर्स से ये भारत का पावर और अथॉरिटी नेहरू जी तक आ गया है तब तो ये तो कांग्रेस से ही शुरू हुआ है ना तो ये बात अभी कांग्रेस वाले सपोर्ट में चुप बैठ जाते हैं बात नहीं करते पे आगे हैं इस बारे में बात करने के लिए और दूसरी तरफ जब एम आई एम वाले जय पालस्तीन बोलते हैं तब ये लोग चुप बैठ जाते हैं क्या मतलब है इनका जैसा मन में आए वैसा इस्तेमाल करते जाएंगे अपना हक पार्लियामेंट में बैठने का आपको लगता है ओवैसी जी की सदस्यता जाने के प्रति धर्म के प्रति बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप जरा गौर से देखिए जब इन्होंने 2009 में शपथ ग्रहण की थी उस वक्त इनका शपथ ग्रहण करने ग्रहण करने का शब्द अलग थे जब 2014 में अपने मोदी भाई आए थे तब शपथ ग्रहण करने के शब्द अलग थे 2019 में अलग थे और 2024 को जय पालस्तीन आ गया इनके पास लेकिन पालस्तीन का मामला तो कई सालों से था हम सबको एक बात गौर से जानना चाहिए कांग्रेस के गवर्नमेंट में इनको डिफेंस के कमिटी में भी डाला गया था कांग्रेस के टाइम पर यह बड़ा मुद्दा है हमारे लिए जो व्यक्ति अपना धर्म अपना शिद्दत अपना निष्ठा भारत देश के प्रति नहीं दिखाने का व्यक्तित्व रखता है ऐसा पार्लियामेंटेरियन को अब डिफेंस में रखते हो आज उनका पोल खुल गया है सारे देश के सामने अगर आपको पालस्तीन से इस प्रकार के एक दया भाव है तो आप सेशंस में बात करिए उसके बारे में प्रधानमंत्री से एक के एक मिलकर बात करिए लेकिन जिस दिन शपथ देना था आपको देश के प्रति आपका निष्ठा दिखाना था आप तब इस प्रकार के बात करना चाहते हो तो आप आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं एक विचार एक जो गैरकानून की तरफ से आप जीतकर यहां तक आए हैं उसको पूरा देश से बुलाना चाहते हैं आप।, आप चाहते हैं देश भूल जाए आप किस प्रकार के नौटंकियां कर, कर यहां तक आए हैं और दूसरी बात आप इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि आपके मन में किसी और विदेश के लिए निष्ठा है लेकिन माधवी लता जी लोग ये, ये कहेंगे आप उनके उनसे नहीं हार नहीं गई हैं हैदराबाद है, के चुनाव में इसीलिए आप कह रही हैं कि वो गलत तरीके से आए हैं यह जनता का फैसला है जनता ने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है और वो संसद में सांसद बनकर आए हैं कहीं आ, अंगूर खट्टे नहीं हैं लोग ये पूछेंगे आपसे <laughs> सारे जनता जनार्दन है हमारे उनका निर्णय हम सर पर रख कर लेके जाएंगे लेकिन हम ये जो कह रहे हैं हम आज नहीं कह रहे हैं ये बात मैं तेरा तारीख को जिस प्रकार से हम बस्तियों में मोहल्लों में पोलिंग बूथ्स में हम फिरे हैं उसी दिन तो सारा पोल खुल गया था चलिए बिल्कुल बिल्कुल माधवी लता जी आपने जो कहा इस पर राष्ट्रपति के सामने दो याचिकाएं पड़ी हैं सदस्यता रहती है कि जाती है क्योंकि अगर जाएगी तो शायद फायदा आपको होगा चुनाव दोबारा होंगे लेकिन राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं देश इंतजार करेगा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपका भी सवाल पब्लिक का शो आज यही खत्म करती हूं इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इटी नाउ